आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव, देश और दुनिया की खबर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। रायपुर में आयोजित नेशनल कौमी तंजीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तारिक अनवर के निर्देश अनुसार इफ छत्तीसगढ़ प्रदेश के संयोजक अब्दुल हैदर के नेतृत्व में राष्ट्रीय महामंत्री श्री मोहम्मद अहमद ने आज रायपुर में नेशनल कौमी तंजीम संस्था की प्रथम बैठक ली। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय महामंत्री श्री अहमद ने अपने संबोधन में श्री अब्दुल हैदर को मुबारकबाद देते हुए आगे कहा कि ये तंजीम नफरत छोड़ो भारत जोड़ो की मुहिम को लेकर छत्तीसगढ़ पहुंचे और तंजीम के गठन में आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। श्री अहमद ने कहा कि हमारा देश नफरतों के दौर से गुजर रहा है, ये हम आपकी जिम्मेदारी बनती है, इस नफरत को जड़ों से खत्म करें। हम सबको लोगों के बीच मोहब्बत और प्यार लोगों में बांटना चाहिए, जहर को खत्म करना चाहिए। हम सभी समाज को लेकर चलना है, तभी ये देश मजबूत बनेगा। और इस कार्यक्रम में काफी लोग उपस्थित रहे। जिस तरह से कत्ल करने वालों की शिकायत ही की जा रही है, गरीबों के साथ, किसानों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी छुपाती है। गांधी के देश में जय श्री राम का नारा लगा करके किसानों को मारा जाएगा, कभी ऐसा सोचा नहीं था कि गांधी के देश में भी ऐसा हो सकता है। वो गांधी जो पूरी जिंदगी अहिंसा के जारी रहे, जिन्होंने दुनिया को अहिंसा का मैसेज दिया, इसलिए हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय तारिक अनवर साहब के नेतृत्व में और अपने राष्ट्र के संयोजक के नेतृत्व में यह फैसला किया है कि हम पूरी छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर गांव में जाएंगे और लोगों से अपील करेंगे कि भाई भारत की जो संस्कृति है, जो भारत की विरासत है, जो भारत की जो परंपरा है, जो भारत की सभ्यता है, वो गांधीवादी सभ्यता है, वो अम्बेडकरवादी सभ्यता है। इसमें शहीद भगत सिंह हो, मौलाना आजाद हो, सरदार पटेल हो, वो तमाम महान पुरुष जिन्होंने देश को आजाद कराया, उनकी कुर्बानियों को हमें बर्बाद नहीं जाने देना है। यही कौमी तंजीम का सपना है कि नफरत को खत्म करो और भारत के लोगों को तमाम परिवार, तमाम समुदाय, तमाम जात, तमाम जाति, यही हमारा उद्देश्य। छत्तीसगढ़ वासियों से कोई अपील करना चाहेंगे आप? हम देखिए छत्तीसगढ़ वालों से भी सही कहना चाहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन है, सारा जहां हमारा। हमारे जो भारत की जो परंपरा है, वसुदेव कुटुंबकम की परंपरा है, पूरी दुनिया एक कायनात है, एक कुंभ है, उसमें छत्तीसगढ़ भी आता है, आपका मध्य प्रदेश भी आता है और भारत के तमाम राज्य आते हैं। तो हम लोग नफरत और दुई और द्वेष के भाव से ऊपर उठ करके मोहब्बत का काम करें और मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से तमाम हमारे दलित, आदिवासी, ओबीसी और मुस्लिम और तमाम लोग इस तरह से इकट्ठा हैं, आपस में प्यार है, तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में ये प्रोग्राम काफी सफल होगा और छत्तीसगढ़ देश के लिए रोल मॉडल बनेगा। आपका परिचय दे देंगे? मोहम्मद अहमद, संगठन महासचिव ऑल इंडिया कौमी तंजीम। यहाँ पर जो नफरत फैलाने वाले तत्व हैं, जो पहले थे नाथी भी हैं, जिन्होंने अंग्रेज के समय माफी मंगवा और आज अपने आप को भारत के आजाद कराने वाले लोगों में गिनती सुधार करवा रहे हैं, ऐसे लोगों के षड्यंत्र को छत्तीसगढ़ में लोगों के बीच जा जाकर बताकर उनके द्वारा फैलाई गई नफरत को प्यार से, मोहब्बत से, शांति से, अमन से मिटाने का। छत्तीसगढ़ प्रदेश कौमी तंजीम का संगठन का विस्तार यहाँ पे किस प्रकार से किया जाएगा, क्या रूपरेखा बनाई है? फिलहाल भविष्य में इंशाल्लाह ताला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं यहाँ पे और हर जिले में, हर शहर में, हर कस्बे में इनके हमारे कार्यकर्ता होंगे। फिलहाल वर्तमान में सदस्यता अभियान चालू किया गया है, इसमें सदस्य बनाया जा रहा है और राष्ट्रीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय तारिक अनवर साहब दीपावली के तुरंत बाद आएंगे। एक छत्तीसगढ़ स्तरीय सम्मेलन होगा, उस सम्मेलन में यह तय किया जाएगा कि नेशनल कौमी तंजीम के में काम करने के लिए कौन कौन से सक्षम लोग हैं, जिनको आगे नहीं मिलेगा। अभी तक कितने लोग इसके सदस्य बन चुके हैं? पहली मीटिंग है, मेरे को जिम्मेदारी का संयोजक की जिम्मेदारी मिली ही 10 दिन हुए हैं और ये पहली मीटिंग है। यह हम सामूहिक प्रयास का नतीजा था जो आज मीटिंग में कामयाब हुई। हमारे सब लोग थे, पुराने लोग हैं हमारे, जो समाज एक साथ रखना चाहते हैं, समाज में मोहब्बत बनाना चाहते हैं, तो सदस्यता अभियान आज से चालू किया जाए। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीबीसी लाइव।